हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद एनी में आप सभी का स्वागत है। आज के मेरे वीडियो में मैं आप सभी के साथ हेम पुष्पा सिरप का रिव्यू कर रही हूँ। अगर पीरियड से रिलेटेड आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, पीरियड्स रुक रुक के आते हैं, दो तीन महीने तक अगर आपके पीरियड्स नहीं आए, पीरियड्स के दौरान में बहुत कम ब्लडिंग होती है, क्लॉट्स बनते हैं, तो उन सभी के लिए आप इस सिरप को लीजिए। काफ़ी अच्छी सिरप है, इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये कुछ इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है, जो कि येलो है। कार्डबोर्ड पैकेजिंग आप देख सकते हैं, 170 रुपीज़ इसकी प्राइस है। एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर पीरियड्स के दौरान आपके बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, थकान होती है, कमजोरी होती है, अनिद्रा की स्थिति होती है, भूख नहीं लगती है, भूख कम लगती है, साथ ही साथ आप जरा सा काम करती हैं और आप थक जाते हैं, अगर आपकी न्यू डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के बाद आपने देखा हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और पीरियड्स भी टाइम पर नहीं आते हैं, तो जिस वजह से हमारे शरीर में काफ़ी हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं और जिस वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, किसी भी काम करने में हमारा मन नहीं लगता है। तो गाइस, इस सिरप को आप लीजिए, काफ़ी अच्छी सिरप है। ये आपके पीरियड्स को रेगुलर करती है, साथ ही साथ अगर आपके बच्चेदानी में छेद हो गया है, आप बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो उसके लिए भी इस सिरप को लिया जाता है। इस सिरप को आपको मॉर्निंग में खाना खाने के बाद और नाइट में जब भी आप डिनर कर लेती हैं उसके बाद हल्के गुनगुने पानी में मिक्स करके लेनी है। जितनी आप सिरप ले रही हैं उतनी ही आपको इसे पानी में मिक्स करके लेना है। साथ ही साथ अगर आप टीनेजर्स हैं, मोस्टली टीनेजर्स में देखा पीरियड्स के दौरान काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, पेट में दर्द होता है, थकान रहता है, अनिद्रा की स्थिति रहती है, अगर यही सब प्रॉब्लम्स आपके हो रही है तो आप इस सिरप को लीजिए। साथ ही टीनेजर्स में एक दो महीने तो पीरियड अच्छे से आते हैं, उसके बाद पीरियड्स रुक रुक के आते हैं, कभी दो महीने तक नहीं आते, कभी तीन महीने तक नहीं आते, अगर यही सब प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही है तो आप इस सिरप को लीजिए। साथ ही साथ पीरियड्स नहीं आने से हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, हमारे बालों का सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे फेस पे दाने हो जाते हैं, आँखों के यहाँ पे काले घेरे हो जाते हैं, झाइयाँ पड़ जाती हैं, पिगमेंटेशन हो जाते हैं, जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं, और ये सारी चीज़ें पीरियड्स के नहीं आने की वजह से होते हैं। अगर आपको ये सभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इस सिरप को आपको 2 मंथ या 3 मंथ आपको कंटिन्यू लेना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने लिया फिर आपने गैप कर दिया, इसे आपको कंटिन्यू लेना है, जिससे पीरियड से रिलेटेड आपके कोई भी प्रॉब्लम से वो नहीं हो। अगर आप बच्चे को फीड करा रही हैं और बच्चा आपका छोटा है तो इस सिरप को आप अवॉइड कीजिए। अगर आपका बच्चा 1 ईयर से बड़ा है तो आप इस सिरप को ले सकते हैं, और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप डायरेक्ट कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड गाइस, एनी स्टाइल से भी मेरा एक और चैनल है, मैंने वहाँ पर इस सिरप के बारे में डिटेल से बताई है, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो आप डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।